पर कांग्रेस पार्टी जो है आज प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया चंडीगढ़ में। अभी फिलहाल ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़े हैं। रवि, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम जो कांग्रेस नेता हैं उनकी गिरफ्तारी, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी है, उसके बाद उनको सेक्टर 3 जो पुलिस स्टेशन है वहां लाया गया। और वहां मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो जमीन पर बैठकर जो है थाने के अंदर जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, कुमारी सैलजा वहां बैठे हैं, विवेक बंसल वहां बैठे हैं, और इसके अलावा तमाम जो विधायक कांग्रेस के वो यहाँ सेक्टर 3 स्थित जो थाना है वहां बैठकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन राजभवन की बात की जा रही थी कि राजभवन तक वो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पेगासस जो फोन टैपिंग मामला है उसके विरोध में राजभवन तक जो है वो कूच करेंगे। उसके बाद पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद सेक्टर 3 स्थित पुलिस स्टेशन लाया गया। उसके बाद यहाँ जो है वो जमीन पर बैठकर अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे नारों के साथ और जो है और तालियों के साथ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा ने साफ तौर पे किया था, जो पुलिस का जो रवैया था उस पर सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार के इशारे पे जो है पुलिस वो काम कर रही है, और उनके जो बैरिकेटिंग जहां की गई थी, बैरिकेटिंग के दौरान वहां कंटीली तारे लगाई गई थी। आमतौर पर जो वो कंटीली तारे हैं जो बॉर्डर्स हैं उन पर लगाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी कंटीली तारे जो है कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कारगर साबित नहीं होंगे, और वो तमाम मुद्दों पर जो देशवासियों के खिलाफ है उन तमाम मुद्दों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। जी जी रवि, इस तरह का जब प्रदर्शन होता है, जब कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो क्या उससे पहले किसी तरह की प्रशासनिक तौर पर कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी, या कोई संवाद जो है चंडीगढ़ पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में नहीं हुआ था जो इस तरीके की तस्वीर पनपी आज? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है कुमारी सैलजा ने साफ तौर पे कहा था, कल ही जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी साफ तौर पे कहा गया था कि परमिशन प्रशासन से जरूर मांगी गई है, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। कल ही परमिशन की जो कार्रवाई थी वो कुमारी सैलजा की तरफ से शुरू कर दी गई थी कि परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो राजभवन का जो है वहां तक वो उनका शांतिपूर्वक जो है मार्च वो रहेगा, और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति उन्होंने प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन हालांकि प्रशासन ने उनको ऐसी कोई अनुमति नहीं दी। उसे कांग्रेस ऑफिस के चारों तरफ जो घेराबंदी कर दी गई, बैरिकेटिंग थी वो कर दी गई थी, और तमाम जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको करीब 100 से 150 मीटर दूर जाते ही तमाम जो बैरिकेटिंग थी उनके पास पहुंचते ही उनको हिरासत में ले लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद सेक्टर 3 स्थित थाना जो है वहां लाया गया। और वहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी को छोड़कर तमाम जो विधायक हैं वो इस जो विरोध प्रदर्शन में इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं विवेक बंसल जैसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कह रहा था कि जो स्वास्थ्य कारणों के चलते कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 30 तारीख तक जो है डॉक्टरों ने सलाह दी है आराम करने की, और किरण चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी की पारिवारिक कोई कारण थे उनकी तरफ से उनको पहले ही अवगत करा दिया गया था, तो उस वजह से ये दो जो नेता हैं कांग्रेस के ये इस प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए, और तमाम जो नेता हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचे और उसके बाद तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल जो ताजा तस्वीर है रवि, यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा जत्था जो है रोष मार्च के लिए निकला था, हम देख पा रहे थे काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ निकले थे। तो अभी ये जहाँ पर धरना दे रहे हैं, थाने के बाहर का ये एरिया है, और यहाँ पर जो मेन कांग्रेस के लीडर्स हैं, विधायक हैं, सिर्फ वो नजर आ रहे हैं या फिर जितनी संख्या में कार्यकर्ता निकले थे वो भी सब इस वक्त इस धरने में शामिल हो गए? जी बिल्कुल, देखिए पहले तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो आला नेता थे, जो विधायक थे, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार के बाद सेक्टर 3 स्थित जो थाना है, थाने का जो प्रांगण है उसके मेन गेट के अंदर जो तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दर्शकों को दिखाया कि तमाम जो लीडर्स हैं वो जमीन पर बैठकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पेगासस मामला है, कांग्रेस की तरफ से जो सदन से सड़क तक की जो कार्रवाई है, सदन में भी इस मसले को उठाया, और काफी
हंगामेदार जो सदन है वो रहा, उसके बाद जो है कांग्रेस ने फैसला किया है कि तमाम जो पेगासस जो है कॉल रिकॉर्डिंग है, जो जासूसी का जो मामला है, उसको लेकर सड़क तक पहुंचेंगे और प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस तमाम मुद्दे से अवगत कराएंगे और तमाम तरह की जिस प्रकार से जो है ये असंवैधानिक जो है कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि असंवैधानिक जो रवैया है बीजेपी सरकार का, तमाम जो लीडर्स हैं जो उन्हीं के पार्टी के दो जो मंत्री भी हैं इस जो कहीं ना कहीं टेप कांड में जो बताए जा रहे हैं उनकी भी जो है रिकॉर्डिंग हुई है, उसके बाद से तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उनकी और अलग अलग जो संस्थान हैं तमाम संस्थानों की जो मीडिया जो रिकॉर्डिंग हुई जो फोन टैपिंग हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से जारी है। अल्लाह बोल जो है वो जारी है। फिलहाल चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित जहां बने रही हमारे साथ लगातार इस तरह की तस्वीरें चंडीगढ़ से जो आ रही है कांग्रेस के रोष की, कांग्रेस के प्रदर्शन की, वो हम आप तक पहुंच दर्शन। चंडीगढ़ में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अभी फिलहाल वहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जासूसी मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। रवि लगातार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या ताजा तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर 3 स्थित थाने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेन गेट है, मेन गेट बंद कर दिया गया है, जो आम जो लोग हैं मीडियाकर्मी हैं उनको गेट से बाहर रोक दिया गया है और तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अंदर जो थाने में है, जो थाने का जो प्रांगण है उसमें बैठकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से तमाम विधायक थे, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको यहां रोक दिया, मतलब हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद यहां वो लोग आए हैं और यहां जमीन पर बैठकर आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, तो जो है प्रभारी विवेक बंसल हैं, कुमारी सैलजा और समेत तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो थाने के अंदर मौजूद हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे, चंडीगढ़ प्रशासन ने उनको रोका, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत के बाद सेक्टर 3 स्थित जो थाना है चंडीगढ़ में वहां लाया गया है और तमाम जो विधायक है यहीं धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि जो तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं, वो तमाम लीडर्स आप तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि प्रभारी विवेक बंसल यहां बैठे हैं, कुमारी सैलजा बैठे हैं और तमाम जो विधायक यहां बैठे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, एक बार धक्का मुक्की जरूर हुई थी, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो थोड़ा सा सख्त हुआ उनको धक्का मुक्की के दौरान, जो शीर्ष नेतृत्व है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, उसके अलावा प्रभारी विवेक बंसल, तमाम विधायक गण, उनको हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेने के बाद यहां लाया गया और यहां भी ये लोग अपना जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर चुके हैं, दरी बिछाकर जो है जमीन पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन जो है पेगासस जो फोन टैपिंग मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सदन से अब सड़कों तक उतराई और तमाम तरह जो जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार कहती आ रही कि प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के लोगों के हित के लिए जो भी प्रदर्शन उनको करना पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा, जिस टाइम करना पड़ेगा, दिन हो या रात हो, बारिश हो या धूप हो, कहीं भी जाकर वो ये प्रदर्शन करेंगे। कुमारी सैलजा जो है अभी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ अपने कुछ नेता हैं जो साथी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और लगातार जिस प्रकार से जो प्रदर्शन की बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, वो प्रदर्शन को जो है कांग्रेस के आला जो लीडर्स हैं वो बखूबी से कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। उससे पहले बीजेपी की कल एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो जासूसी का है इतिहास है वो कांग्रेस का रहा है। इसके बाद जो कांग्रेस के लीडर्स की जो प्रतिक्रिया आई है वो कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल झूठ बोल रहे हैं और लगातार लोगों को बरगलाने की बातें कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं उसको देखते हुए जो है कुमारी सैलजा ने भी साफ तौर पर कहा कि पुलिस जो है सरकार के जो है जो कहने पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कंटीली तारें लगाई गई उनको रोकने के लिए, जिस प्रकार की वो तारें जो है बॉर्डर्स पे लगाई जाती थी, ऐसा जो है कुमारी सैलजा ने कहा कि हल्की मुक्की बल प्रयोग उनके साथ किया गया, धक्का मुक्की हुई, कहीं ना कहीं उसके बाद जो है इनको हिरासत में लिया गया। जी जी बिल्कुल रवि, अगर मैं बात करूं पेगासस जासूसी कांड की, तो लगातार हरियाणा में इस मुद्दे को लेकर जो है काफी ज्यादा तल्खी देखी जा रही है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी मुद्दे पर मुख्य तौर पर अपनी बात रखी, उसके बाद कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो मुद्दा जरूर केंद्र में उठ रहा है, संसद में से लेकर हंगामा लगातार हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जो गूंज है वो हरियाणा में काफी तेज सुनाई दे रही है। मैं मान के चलूं कि पेगासस जासूसी मामला
केंद्र सरकार को लेकर जो है सवाल खड़े करने वाला मामला है, लेकिन यहाँ हरियाणा प्रदेश में जो है इसकी छाप, इस प्रदर्शन की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से केंद्र का इशू है, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी इसको, माफ कीजिएगा, हरियाणा कांग्रेस भी इसको बुनाने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने जो है कल ही ऐलान कर दिया था कि राजभवन तक घेराव किया जाएगा, हरियाणा में साफ सी बात है कि जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन की मैं बात करूंगा, इसमें किसान आंदोलन ही हरियाणा में ज्यादा सक्रिय है, और उसके बाद तमाम मुद्दों पर जो है हरियाणा कांग्रेस सरकार को घेरना चाह रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ से तो वो अपने किसानों के जो आंदोलन है उसकी वजह से गिरे हुए हैं, महंगाई की वजह से गिरे हैं, और एक नया मामला, एक नया जो मुद्दा है वो बैठे बिठाए कांग्रेस को मिल गया। कहीं ना कहीं पेगासस मामला एक, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है जो देश के जो नागरिक है उनका जो मूल अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जाएगी, कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी जानकारियां जुटाई जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। इसी मुद्दे पर जो कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस है वो लगातार विपक्ष को, सरकार को घेरने में लगी हुई है। जिस प्रकार से कल मनोहर लाल ने कहा कि ये जो जो है, माफ कीजिएगा, जो इतिहास है कांग्रेस का वो है, कांग्रेस का इतिहास है जासूसी करने का। हालांकि उसके बाद से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जमकर जो है प्रहार किया गया, जो उस हिसाब से लगातार जिस हिसाब से अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कहीं ना कहीं वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि आज इस प्रदर्शन में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली, कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है जिस प्रकार से प्रदेश युवा कांग्रेस के इलेक्शंस होने हैं, आने वाले युवा जो हैं अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा रहे हैं कि हम में पोटेंशियल है, हम में ये काम करने की काबिलियत है, आप हम पर जो है वो विश्वास बनाए रखें और हम आपकी जो तमाम जो ऐसे प्रदर्शन है और ऐसे जो मुद्दे हैं उनको जो है अच्छे से उठाने में आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी हिसाब से तभी जो एक तलखी देखी गई थी बैरिकेटिंग पर जब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद हरियाणा माफी से चंडीगढ़ प्रशासन ने भी उनको रोकने का प्रयास किया और हल्की झड़प हुई, उसके बाद तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई। और इस प्रकार से देख सकते हैं आप जिस प्रकार तालियों से और नारों के साथ जो कुमारी शैलजा और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जी यार भाई, जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं रवि किस तरीके से कांग्रेस के यहाँ तमाम बड़े नेता धरने पर बैठकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार मैं दर्शकों को जरा इन तस्वीरों के बारे में बता दूं कि कुमारी शैलजा हैं इस वक्त सामने, विवेक बंसल हैं, गीता बुक्कल हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं धरने पर बैठकर। रवि, हम देख पा रहे हैं बेहद आक्रामक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस हमलावर है बीजेपी को और बीजेपी केंद्र सरकार पे, हरियाणा सरकार, तो तमाम उसी कड़ी के मैंने आपको नजारा दिखाया। तमाम जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स हैं, तमाम एकजुटता दिखाई। कहीं ना कहीं जो चिट्ठी विवेक बंसल ने लिखी थी जो महंगाई को प्रदर्शन के लेके, 22 जो विधायक ऐसे बताए जा रहे थे जो हुड्डा गुट के समर्थक विधायक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम पे जो है विरोध प्रदर्शन नहीं किया महंगाई लेकर। उसके बाद विवेक बंसल ने एक चिट्ठी जारी की, तमाम जो विधायक थे उनसे जवाब तलब किया गया कि आप जो इस महंगाई के मुद्दे पर जो है सरकार को क्यों नहीं घेर रहे, उसके बाद उनसे जवाब मांगा गया। जवाब के बाद जब आज जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन में तमाम जो विधायक बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पहुंचे और अच्छे से अपनी आवाज उठाई, अपने साथ यूथ को लेके आए, जो यूथ जो उनके वर्कर्स थे, जो यूथ उनका जो सपोर्टर्स थे उनको सबको यहाँ लेके आए और उसके बाद अच्छे लेवल पर बढ़िया तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया। एक जो अजीब सा उत्साह जो आज देखने को मिला, हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस के प्रदर्शन होते थे ऐसा उत्साह कभी बहुत कम देखने को मिलता है। कुमारी शैलजा आज आश्वस्त जरूर होंगी, तमाम जो
हुड्डा गुट समर्थक कह लीजिए या शैलजा समर्थक कह लीजिए, तमाम जो विधायक थे वो आज मौके पर पहुंचे। हालांकि मैं बात करूं जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो किरण चौधरी जो विधायक है तो शाम से वो नहीं पहुंचे। विवेक बंसल ने साफ तौर पे कहा कि ये जो दो नेता थे इनके अपने कारण है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वास्थ्य के चलते कहीं ना कहीं 30 तारीख तक उनको डॉक्टरों ने सलाह करने का जो सलाह दी गई है, आराम करने की सलाह दी गई है। और किरण चौधरी है पारिवारिक जो उनके कुछ निजी कारण है वो उसके चलते नहीं आ सकती। हालांकि उन दोनों नेताओं ने प्रभारी विवेक बंसल को पहले ही अवगत करा दिया गया था। जी बिल्कुल। तो इन दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं कुछ जरूर मैसेज देती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन चलिए ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वास्थ्य के कारण बताए गए तो इस पर हम ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इस ओवरऑल मैं प्रदर्शन की बात करूं रवि, तो लगातार कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था इस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर है और बहुत आक्रामक तरीके से जो है कुमारी शैलजा इस मामले को उठा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कुमारी शैलजा ने तीखे हमले किए थे और आज जो है पेगासस जासूसी मामले को लेकर चंडीगढ़ में काफी शोर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगातार अब इन दिनों कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, कांग्रेस के पास इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इन दिनों बेहद हमलावर सरकार के ऊपर नजर आ रही है। और रही बात कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी की, तो देखिए वो जग जाहिर है कि मीडिया की सुर्खियों में कांग्रेस अपनी गुटबाजी की वजह से तो रही है इन दिनों, वो एक बड़ा कारण है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है वो भी अपने आप में काफी सुर्खियां बटोर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में काफी जो सरकार है घिरी हुई है, केंद्र सरकार की बात करें तो भी वो भी घिरी हुई है, हरियाणा प्रदेश सरकार भी घिरी हुई है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की बात करें, महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले जो विरोध प्रदर्शन थे वो काफी फीके रहे हैं, लेकिन इस बार कुमारी शैलजा ने साफ संकेत दिए, जो प्रभारी विवेक बंसल ने साफ संकेत दिए और केसी वेणुगोपाल से मिले जो तमाम विधायक, तो उनके बाद से लगातार जो जिस प्रकार से एक एनर्जी जो है तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के उनमें आई है और उसके बाद से ही लगातार ये लोग काफी अच्छे लेवल पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करूँ जिस हिसाब से जो लोग जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो आज जिस प्रकार से जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया, हालांकि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा उनका साफ तौर पे कहना है कैसा भी मौसम हो, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, तमाम मौसम में हम लोगों के हित की और लोगों के भले की जो है जो मुद्दे हैं कांग्रेस सरकार के पास जो विपक्ष को घेरने के, वो तमाम मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले मैं बात करूं जिस प्रकार से कल जो जैसे आपने बताया कि जो कुमारी शैलजा ने कल भी तीखे प्रहार करे, उसके बाद जो एक तरफ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सरकार विपक्ष पर हमलावर होते हैं, उसके बाद जो कुमारी शैलजा पीसी करती हैं वो सरकार पर हमलावर होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो बैठे बिठाए जो मुद्दा है कांग्रेस के हाथ मिल रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें और तमाम ऐसे, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये फिलहाल जो हमारे साथ खालिद चहलका जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। खालिद जी, चंडीगढ़ में इस वक्त कुमारी शैलजा, विवेक बंसल, गीता भुक्कल, तमाम विधायक, आपके तमाम बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। इनको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद ये वहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो मसला है जासूसी कांड का, केंद्र सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर तौर पर संसद में भी ये मसला गूंज रहा है, लेकिन हरियाणा में इसका शोर इतना ज्यादा क्यों? बात हरियाणा की नहीं है, बात पूरे देश की सुरक्षा की, पूरे देश के नेताओं की और सारी चीजों की बात है। आवाज तो जब आप हमारे नेता का और देश की प्रमुख हस्तियों के फोन कॉल को ट्रैक करेंगे, उनके फोन को हैक करेंगे, तो आवाज तो देश में उठेगी। पिछले 7 साल से देश में हो क्या रहा है जी? आप कानून की संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं, जबकि देश में एक कानून है कि आप इस तरह से किसी के साथ उनका फोन हैक नहीं कर सकते, उनका फोन ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन सरकार पिछले 7 साल से कर क्या रही है? सारे कानून इस देश के सब कुछ दांव पे लगा दिया गया है, संविधान को किनारे रख दिया गया है। जो खुद चाह रहे हैं 2-3 लोग वो इस देश के अंदर हो जाए। और हरियाणा में शोर क्यों नहीं हो? हरियाणा में शोर क्यों नहीं हो? क्यों हरियाणा के इस देश के हिस्से में नहीं है क्या? हरियाणा
इस देश में नहीं आता है कि हरियाणा में राजनीति नहीं है, कि हरियाणा में इन चीजों से नहीं होती है। मैं समझ रही हूँ, ठीक है, मुद्दा बड़ा है। और लेकिन खाली जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी नहीं पहुंचे हैं यहाँ, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? शैलजा मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा आगे। शैलजा मैडम, लोग बहुत सारे लोग इस तरह से, क्योंकि जैसे कल पूरे देश में एक तो पर्व था और बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई जरूरी चीजें भी होती हैं, हर वक्त हर व्यक्ति मौजूद नहीं होता, लेकिन पूरी लीडरशिप प्रदेश की अध्यक्ष बैठी है, बहुत सारे विधायक वहाँ पे हैं, हमारे प्रभारी वहाँ पे हैं, और जो लोग नहीं जा पाए उनकी अपनी का अपनी कोई ना कोई मजबूरी, अपना अपना कोई विषय रहा होगा। जैसे बहुत सारे लोग आज इस तरह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता और नेता उपस्थित है। किसी का जाना नहीं जाना विषय नहीं है, विषय ये है कि सरकार क्या कर रही है। जी, आप खाली जी बने रहिए, जरा तस्वीरें हमारे साथ जो चंडीगढ़ से आ रही है मैं जानना चाहूंगी इस वक्त क्या हो रहा है। रवि, मैं देख पा रही हूँ पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी पहुंचे तुम्हारी शैलजा के पास। शैलजा मैम साफ नहीं आ रहा है वहाँ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि राजभवन से कुछ अधिकारी आए हैं, जो राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन देना था, जो कांग्रेस ने जो है जो कुमारी शैलजा हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से वो राज्यपाल के जो अधिकारी हैं, राजभवन के जो अधिकारी हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है राज्यपाल के नाम। और तमाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद हैं। और जो मेमोरेंडम जो सौंपा जाना था, जो राज्यपाल को सौंपा जाना था, वो यहाँ सेक्टर 3 स्थित थाने में सौंपा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो इस ज्ञापन में क्या पेगासस जासूस मामले को लेकर ही सरकार को लेकर कहा गया है कुछ, क्या जानकारी आपके पास है? ज्ञापन में लिखा क्या क्या है जो कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को सौंपा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पेगासस जो जासूसी मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं पेगासस जो जासूसी मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ज्ञापन में बात कही गई है, जिस प्रकार से कहा गया कि जिस प्रकार जो असंवैधानिक जो है संसद जो चल रही है उनको कैंसिल करती है, ये प्रस्ताव हमारा यहाँ से आज जाएगा। आज जो बातचीत हो रही है वो बातचीत है मंडी के ऊपर। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब MSP नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसान अपनी फसलों को ले जाके बेच सके। ये उस प्लेटफॉर्म को खत्म करना चाहते हैं। क्या कोई रेल जब चलती है बगैर प्लेटफॉर्म पे उतर सकती है? अगर हम बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन को रोकेंगे तो चेन पुलिंग होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहाँ पे बेचेंगे? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले में मूंग की खेती किसान करता है। 7,000 रुपये भारत सरकार का रेट है और उसने 4,500 रुपये और 5,000 रुपये में अपनी मूंग बेची। कोई सुनने वाला नहीं है ये आंदोलन। ये कान खोल कर सुन ले यहाँ के सरकार। दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी जी गए थे, वे 25 लाख आदमी ही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदे करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पर आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे, हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको बात माननी पड़ेगी। आप नहीं, इन्होंने ब्लेड वाले वायर्स लगाए हैं वहाँ पर, आपने खुद देखा हमारे कितने लोगों के कपड़े फटे हैं, खून निकला है हमारे ऊपर, हमारी लेडीज के साथ उनके कपड़े फटे हैं, पुलिस वालों ने धक्के मारे हैं उनको। कितने लोग हमारे विधायक वहां पर पेंट भी हो गए, कपड़े फाड़े गए। इस तरह से होता है क्या लोकतंत्र में? सबका हनन हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी चाहे वो कोई भी हो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है, देखिए मेमोरेंडम हम देते हैं, हमारा अधिकार है, हम राष्ट्रपति जी के नाम मेमोरेंडम दे रहे, राजभवन तक जा रहे, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया। मुद्दा ऐसा है, लोकतंत्र आज खतरे में है। स्पाईवेयर का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ, पिछले साल प्रियंका जी के खिलाफ,
इनके अपने नेताओं के खिलाफ, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो देश की एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, उनके आला अफसरों के खिलाफ, मीडिया के मालिकों के खिलाफ, सीईओज के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंटिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ, तो ये लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। हम मेमोरेंडम देना चाहते, हम केवल अपनी बात रखना चाहते कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, क्योंकि देश के सामने ये बात आनी चाहिए, क्यों ये मुद्दा उठा है, क्यों आप लोगों को ये तानाशाही ढंग से आवाज दबा रहे हैं, आप लोगों की, मीडिया की, मौलिक अधिकारों पर आप हमला कर रहे हैं। सरकार बताए, सरकार बताए कि ये क्या उन्होंने शुरू किया, उनके द्वारा अधिकारित किया गया, या फिर किसी अलग एजेंसी ने किया, तो किसने किया? इसके लिए या तो जेपीसी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर की गई, मॉनिटर की गई एक जुडिशियल इंक्वायरी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये सरकार, तानाशाह सरकार, छिपती है, असलियत आने नहीं देती है लोगों से, असली बात छिपा रही है। ये पूरे प्रकरण को देखते हुए गृह मंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सरकार उन्हें बर्खास्त करे और लोकतंत्र हमारे देश में बहाल हो। ये बहाल तभी होगा जब ये सरकार सत्ता से जाएगी, निकम्मी सरकार सत्ता से जाएगी। कांग्रेस पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी। बस कर लो यार, बैठ कर लो, यहाँ यही कर लो यार, बैठ कर लो। साक्षी माइक दो, थोड़ा आगे आ जाऊंगा। मंत्री साहब, आज कांग्रेस को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा सबसे पहले, और उसके बाद पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था उसको क्या मानते हैं आप, कि ये सरकार जो है वो उसके सारे किस तरीके का व्यवहार? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो पेगासस, ये जो स्पाईवेयर कंपनी का ये जो जासूसी का प्रकरण पर्दाफाश हुआ है, उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कैडर में जो आक्रोश होगा वो स्वाभाविक है। जहां हमारे नेताओं की निजता का उल्लंघन किया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी भी लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष के लिए जो अनिवार्य है, उसको कहीं ना कहीं उस पर प्रहार हुआ है। उसको लेकर हम लोगों ने, हमारी पार्टी का आह्वान हुआ कि हम सब लोग राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए अपना आक्रोश और अपना विरोध प्रकट करेंगे। परंतु जो मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आती है और बड़ा खेद होता है कि जहां हम याद करते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब अहिंसात्मक आंदोलन होते थे, शायद इतना दमन नहीं होता था, इस बर्बरता के साथ नहीं कुचला जाता था, उसको हनन नहीं होता था अधिकारों का, जो आज हो रहा है। क्या कारण है कि शांतिपूर्ण मार्च को हमारे को रोका गया, उसमें बाधा उत्पन्न की गई, और जैसा हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी ने कहा, जो कटीले तार लगाए गए, ऐसा प्रतीत होता था कि हम लोग या तो कोई ऐसा देशद्रोही प्रकरण हो रहा है कि पूरी, जिसे कहते हैं कि सरकार ने और शासन तंत्र ने ये मन बना लिया है कि चाहे कितनी बर्बरता पूर्वक हमें वो रवैया अपनाना पड़े, हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। अरे भाई, लोकतंत्र है, और या तो आपके सामने ऐसे उदाहरण हो कि पिछले दिनों 144 का लोगों ने उल्लंघन नहीं किया हो, चाहे चुनाव हो, चाहे आप उसे दोहाई दें कि कोविड प्रोटोकॉल की दोहाई दें, क्या कोविड प्रोटोकॉल के चलते क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, या हमें इतना कह देते, हमने इनसे ये भी कहा कि चुनिंदा लोग वहाँ चले जाएंगे, हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से, तो वो भी उन्होंने नहीं किया, उन्हें हमें अधिकृत नहीं किया, और आपने देखा कि क्या रवैया था। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक गिल्टी कॉन्शियंस था,
उन्होंने गलत कृत्य किया है और उसके परिणाम भुगतने को वो तैयार नहीं है। जो आक्रोश है लोगों का, जो खासतौर से इस तरीके से, एक तरफ तो सरकार, अभी आपने देखा कि ये फेस टाइम के साथ जो जो सोशल मीडिया को लेके जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था पिछले दिनों, एक तो आप उसकी बात कर रहे हैं और खुद ही आप उस निजता का, और जो पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि साहब 45 देशों में भी हुआ, अरे भाई 45 देशों में हमारे यहाँ जितना लोकतंत्र जो सशक्त है रहा है और जो परपार्टी है, जो प्रणाली है, वो बहुत कम देशों में। आप उदाहरण आप देख लीजिए, अमेरिका जैसे जो जिसका कि 200-250 साल पुराना लोकतंत्र है, हम उनसे भी किसी भी, अभी तक इस शासन से पहले हम किसी भी तरीके से उनसे लोकतंत्र की मान मर्यादाओं का सम्मान करने में पीछे नहीं थे। तो आज ये सब हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माता आज परम सिद्ध बाबा साहब की कचोटती होगी, जो उसके पीछे एक आत्मा थे, उसके साथ साथ महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कहीं ना कहीं ये महसूस करते होंगे क्या ये उनकी कल्पना का भारत था, ये उनकी कल्पना का लोकतंत्र था, जहां विपक्ष की आवाज़ को न्यायपूर्वक, न्याय संगत आवाज़ को इस तरीके से दबाया जा रहा है। ये किसी भी तरीके से, इसकी कोई भी, जिसकी भी संविधान में आस्था है, जिसकी भी लोकतंत्र में आस्था है, इसको खुले शब्दों में इसकी निंदा करेगा, भर्त्सना करेगा और इस सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात करेगा। और उसके साथ साथ मैं ये बात कहते हुए समाप्त करता हूँ कि इस प्रकरण में जो सब हुआ है, जिस तरीके से घटनाक्रम आए, जिस तरीके से ये सामने आया है, ज़रा सी भी नैतिकता हो, वैसे तो ये सरकार नैतिकता की बात इस सरकार के बिल्कुल विपरीत है, नैतिकता और ये सरकार बिल्कुल अलग अलग दो नदी के किनारे हैं, पर ज़रा सी भी आंशिक रूप से एक मौलिक नैतिकता हो तो इनके गृहमंत्री को, और अगर प्रधानमंत्री भी इस पे अगर इस्तीफा देंगे, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रचायक होगा।